वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु जी। हाँ बिल्कुल, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है जहाँ पर आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से अपना एक अलग सा चैनल चूज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन के लिए आपको जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो करना है, या फिर आपके एग्जामिनेशन कब है, डेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, फॉर्म्स को कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, पीडीएफ्स की बात करें, नोट्स की बात करें, ठीक है, या मॉक टेस्ट की बात करें, लाइव क्लासेस की बात करें, ये सारी की सारी जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगी? रिजल्ट गुरु ऐप पर मिलेगी। तो करना क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है, यहाँ पर पूरा फॉलो अप आपको दिया गया है किस प्रकार से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। और इसी के साथ ऐप पर ही आपको 28 पीडीएफ फाइल्स जो है वो डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है रिजल्ट गुरु टीम की ओर से, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आज के अपने सेशन की, ठीक है जी। आज के अपने सेशन की बात कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आज का सेशन और दिन से अलग होने वाला है। रीजन क्या है, आज का जो हमारा सेशन है ये हमारी प्रीमियर क्लास है, ठीक है। तो आज मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख पाऊंगी, आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उसका आंसर मैं बाद में दे दूंगी, आपको जो भी पूछना रहेगा, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे, कोशिश ऐसे ही करेंगे बिकॉज जो है आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समकालीन कलाकारों से संबंधित है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे कि क्यों मैं आज आपकी क्लास लाइव नहीं ले रही हूँ, ठीक है, वो भी बात करेंगे बिकॉज कल भी आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक। तो करेंगे क्या, पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के। और आज का सेशन समकालीन कलाकारों से संबंधित है। यहाँ पर आज के सेशन पर या आज का जो थंबनेल है उस पर जो पेंटिंग है वो किसकी है, सोनू गहलोत की पेंटिंग यहाँ पर आज के थंबनेल पर आप लोग देख पा रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, और कहीं ना कहीं जो हमारे समकालीन कलाकार हैं उस थीम से मैच भी करती है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है जी। तो आज का सेशन स्टार्ट करें, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे सभी स्टूडेंट ईमानदारी से और डिसिप्लिन से। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ से पुट आउट किए जाएंगे उनका आपने आंसर देना है, ठीक है, कोशिश सभी लोग करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। ललित कला अकादमी के द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है? ऑप्शन ए है रामकुमार, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी है आनंद कुमार स्वामी। ललित कला अकादमी के द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन कराया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से पढ़कर, है ना, कुछ समय मिले आपको, आप लोग आंसर दे पाए और फटाफट आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं, आज का सेशन जो है लाइव इसलिए नहीं है बिकॉज मेरी फिजियोथेरेपी के सेशन चल रहे हैं और कल भी इसी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, और इसलिए कम जरूरी था कि आपकी क्लास जो है उसका ज्यादा गैप ना हो, इसीलिए मैंने आज आपको एक प्रीमियर क्लास दी है। कल हम जो है लाइव क्लास लेंगे जी, ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा जी आनंद कुमार स्वामी, डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है इसको क्या करेंगे, साथ के साथ आप लोग नोट भी बना सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ आपको मिल ही जाएंगे कल तक। चलिए अब बात करेंगे आनंद कुमार स्वामी। हमें पता है जब भी हम भारतीय चित्रकला इतिहास की बात करते हैं तो आनंद कुमार स्वामी जो है इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और कहीं ना कहीं उस महत्वपूर्ण स्थान में भी विशेष रूप से अगर हम चित्रकला की स्पेसिफिक बात करें और उसमें भी क्या है, इतिहास यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित बात करते हैं तो यहाँ पर इनका जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन्होंने भारतीय चित्रकला के इतिहास के लिए कई सारी जो रचनाएं हैं वो इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि शोध कार्यों के द्वारा वो रचनाएं हम तक पहुंचाई हैं, जिनका कहीं ना कहीं हम लोग लाभ उठाकर आगे की जो हमारी चित्रकला की जर्नी है उसको हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। अब बात करेंगे ललित कला अकादमी। हमें पता है ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित क्या थी, स्वतंत्र संस्था थी। प्रमुख रूप से बात करेंगे जी इसको, इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 1954 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। यहाँ पर ललित कला अकादमी की बात करेंगे, यहाँ पर चित्रकला ही नहीं इसमें, ठीक है, मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, ठीक है, और साथ में गृह निर्माण कला, वास्तुकला की अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी कलाओं से संबंधित ही ललित कला अकादमी जो है ये एक स्वतंत्र स्वतः संस्था है। अगर हम बात करें कि भाई
ये सारी की सारी जो कलाएं हैं ये किसमें आती हैं? तो जी ललित कलाओं में आती हैं। किसमें आती हैं? ललित कलाओं में आती हैं, ये हम सबको जानकारी है। अब देखना तो बनता है, तो हमारा जो ललित कला एकादमी है जो कहाँ पर है, नई दिल्ली में, रविंद्र भवन के नाम से है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं नई दिल्ली में, ठीक है जी। तो ये कुछ इस प्रकार से ये इमारत है, आप देख सकते हैं ललित कला एकादमी नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? दिल्ली स्कूल से माना जाता है, बंगाल स्कूल से माना जाता है, मुंबई स्कूल से माना जाता है, कलकत्ता स्कूल से माना जाता है। और ये क्वेश्चन जो है, मुझे मेरी टीम ने किसी स्टूडेंट की शायद एक क्वेरी थी, उन्होंने ये भेजा था, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है बेसिकली किसने भेजा था, बिकॉज जब भी आप ऐसी कोई क्वेरी करते हैं तो मेरी टीम जो है मुझ तक आपकी क्वेरी पहुंचा देती है। कोशिश करती हूँ मैं आपकी क्वेरीज को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझा दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक दो चीजें समझनी है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, पहले तो आपको ऑप्शंस में देखना है कि क्या लिखा गया है। बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना गया है। अब यहाँ पर है दिल्ली स्कूल, बंगाल स्कूल, मुंबई स्कूल और कलकत्ता स्कूल। तो अगर इन सारे स्कूल्स यानी कि इन सारी शैलियों की बात करें, तो हमें पता है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास इन सारी शैलियों के अकॉर्डिंग कहाँ से जी, बंगाल स्कूल से आरंभ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन है, तो कौन है जी, राजा रवि वर्मा है। कौन है? राजा रवि वर्मा है। अब आप कहेंगे कि मैम राजा रवि वर्मा तो बंगाल स्कूल से पहले थे। बिल्कुल बंगाल स्कूल से पहले थे, तो दैट मीन्स कि भारतीय आधुनिक चित्रकला तो वहीं से आरंभ हो गई है। देखिए एक चीज हम आपको हमेशा समझनी है, राजा रवि वर्मा ने पश्चिमी शैली में कार्य किया था। वहीं पे ही अगर हम बंगाल स्कूल की बात करेंगे, बंगाल स्कूल यानी बंगाल शैली की बात करेंगे, जिसकी प्रमुख रूप से नींव जो है किसने रखी थी, या जिसका जनक किसको कहा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर को, सूत्रधार इसके कौन थे, ईवी हेबल थे। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो वर्ड है भारतीय आधुनिक चित्रकला, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा जो है आधुनिक इन द सेंस की जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जब हम उस स्पेसिफिक पीरियड में पांव रखते हैं, तो उस समय राजा रवि वर्मा थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वे भारतीय आधुनिक चित्रकला, तो यहाँ पर जो हमारी पारंपरिक अगर हम चित्रकला की बात करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला थी जो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी, उसको जो है दोबारा से जागृत करने का कार्य किसने किया था, बंगाल स्कूल ने किया था। तो बंगाल स्कूल के ही समय से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय आधुनिक चित्रकला जो है ये आरंभ हो जाती है, क्योंकि यहीं से हमारी जो पारंपरिक कला शैलियां थी उनका दोबारा से पुनर्जीवन जो है उनको मिला था। इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा, बंगाल स्कूल इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए, हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित हो प्रकृति चित्रों का चित्रण किया? ये यूनानी चित्र थे, जापानी चित्र थे, चीनी चित्र थे, या इनमें से कोई नहीं? हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित हो प्राकृतिक चित्रों का चित्रण किया था? जी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जी सी ऑप्शन, चीनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चीनी चित्रण। जब हम हुसैन सर की बात करते हैं, इनको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है जी। इनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनको हम पोस्टर बात करेंगे कि भाई जिसने सिनेमा के पोस्टरों से अपनी जर्नी आरंभ की थी वो कौन थे? हुसैन थे, एम एफ हुसैन सर थे। इन्होंने सिनेमा के पोस्टर बनाने से अपने जो प्रोफेशनल, अगर चित्रकला के क्षेत्र की बात करेंगे, वहां से इन्होंने अपना प्रोफेशन आरंभ किया था। प्रमुख रूप से अगर बात की जाती है कि भाई इनके जो रेखा चित्र थे, ये रेखा चित्र भी बनाते थे, एक चित्र तो बहुत ही सुंदर थे, बात करें किस प्रकार थे या उसकी विशेषता क्या थी, तो इनका था मोटा रेखांकन, याद रखेंगे मोटा रेखांकन जो है इनकी प्रमुख विशेषता थी, ठीक है जी। इसके साथ साथ हुसैन शैली, याद रखेंगे हुसैन शैली। अब हुसैन शैली क्या है? हुसैन शैली वो है जो इन्होंने अपने आप से यानी कि अपनी एक अलग सी शैली जो है इनोवेट की थी, जिसमें क्या था, मोटा रेखांकन था। रंग जो है इन्होंने सारे ही, कई रंग इनके चित्रों में हमें देखने को मिलते हैं, एक अलग प्रकार की चित्र शैली इन्होंने इनोवेट की थी जो हुसैन शैली के नाम से जानी गई। और इन्हीं की शैली को प्रतीकात्मक शैली भी कहा जाता है, ठीक है जी, प्रतीकात्मक शैली, याद रखेंगे। अब ये आप कहेंगे कि मैम प्रतीकात्मक शैली कैसे इसको कहा जाता है? देखिए इनकी पेंटिंग्स में हमने क्या देखा है, सर्प देखे हैं। याद यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी है कि अगर आपको पूछा जाता है कि इनके वो कौन से चित्र हैं जहां से इनकी जो शैली है, हुसैन सर की जो शैली है वो हमें प्रतीकात्मक लगती है, ठीक है, तो किन चित्रों से लगती है? सर्प के इन्होंने चित्र बनाए हैं, नीला चांद,
यानी किसी न किसी का जो प्रतीक मानकर इन्होंने बनाया था नीला चांद। बेसिकली क्या नीला चांद होता है? बिल्कुल नहीं होता, रेंगता हुआ सूरज। क्या सूरज कभी रेंग सकता है? नहीं रेंग सकता जी, तो वो भी इन्होंने प्रतीक के रूप में दिखाया है। इसी प्रकार से बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए हैं। घोड़ा, इन्होंने जो हमारे समाज में कई विकृतियां हैं जो इन्होंने घोड़ा सीरीज बनाई थी वो उससे संबंधित है। यानी कुछ ना कुछ प्रतीक मानकर इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को बनाया है जो ये मैसेज देने की कोशिश करते थे। तो इसी प्रकार से इसलिए इनकी शैली को प्रतीकात्मक शैली भी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये जो प्राकृतिक चित्रण इन्होंने किया था, क्योंकि इनका प्राकृतिक चित्रण हमें बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो कहाँ से प्रभावित होकर बनाया था? इन्होंने चाइनीज कुछ पेंटिंग्स देखी थी, वहां से प्रभावित होकर इन्होंने प्राकृतिक चित्रण बनाया। ठीक है, अगर हम शैली की बात करेंगे तो इन्होंने अपना उसमें क्या है, हुसैन शैली का पर्सनल टच तो दिया है। आपको बिल्कुल चीजें वैसे नहीं दिखाई देंगी, लेकिन प्रभावित कैसे हुए वो जरूर समझेंगे। देखिए, ये चीनी शैली के प्राकृतिक चित्र हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लैक इंक जो होती है उसका प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं आप कुछ पहाड़ियां हैं और पेड़ है ना, जो जिनकी जटाएं लंबी लंबी है, उस प्रकार से पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही हुसैन सर ने पेंटिंग्स जो है अपनी प्रकृति से संबंधित इन्होंने आरंभ की इस प्रकार की पेंटिंग से। कभी भी आप गूगल करेंगे तो आपको इस प्रकार की चाइनीज पेंटिंग्स, खासकर जब आप उसमें डालेंगे ना चाइनीज लैंडस्केप्स, तो आपको इस प्रकार की कई पेंटिंग्स पेंटिंग्स में तो आपको कई दिखाई देंगी। वहां पर आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो इनका यहाँ पर ये प्रमुख रूप से पेंटिंग्स थी, कहीं ना कहीं वहां से इंस्पायर थी। यानी वहां से विषय वस्तु कुछ ना कुछ ही लेते थे। जैसे यहाँ पर ब्लैक इंक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने ये जो पेंटिंग बनाई थी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, वृक्ष की आकृति दिखाई दे रही है ना, ये पीछे भी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो है चट्टाने, ऐसा लग रहा है पहाड़ है। ये जो पीछे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको इस पेंटिंग का नाम ही क्या था, ब्लैक माउंटेन। ठीक है जी, काला पहाड़ या ब्लैक माउंटेन आप कह सकते हैं, ब्लैक माउंटेन या काला पहाड़। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने इस प्रकार के जो है लैंडस्केप बनाए हैं। यानी यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इसी प्रकार के आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता से भरे हुए बहुत सारे इनके चित्र देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली पहली कलाकार कौन है, यानी कि पहली महिला कलाकार की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, उसको भी आपने एक बार देख लेना है। अर्पणा कौर है, मीरा मुखर्जी है, लतिका कट है या अंजलि इला मेनन है। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार, जी कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है? अर्पणा कौर, मीरा मुखर्जी, लतिका कट या अंजलि इला मेनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि इला मेनन। कौन है जी? डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, अंजलि इला मेनन इज द राइट आंसर। ये वो प्रथम भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्होंने कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल किया था। चलिए जानेंगे थोड़ा सा अंजलि इला मेनन के बारे में। 17 जुलाई 1940 वरनपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रूप से ये भारतीय चित्रकार हैं। इन्होंने कुछ भित्ति चित्रकारों की भी रचना की है, इसलिए हम इनको भित्ति चित्रकार भी कह सकते हैं। क्या है? प्रमुख रूप से चित्रकार हैं। क्या है जी? प्रमुख रूप से ये चित्रकार हैं, प्रमुख रूप से भारतीय चित्रकार और भित्ति चित्रकार हैं। अगर इनकी थीम की बात करेंगे किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाती थी, तो यहाँ पर क्या है, धार्मिक थीम वाली पेंटिंग्स इन्होंने ज्यादा बनाई हैं। अब यहाँ धार्मिक थीम वाली पेंटिंग्स में इन्होंने प्रमुख रूप से देवियों का, ठीक है, देवियों का चित्र बनाया है, देवियों के चित्र बनाए हैं। अब यहाँ पर देवी के जो चित्र बनाए हैं उन इन्होंने उनको माता के रूप में दिखाया है। कैसे दिखाया है? माता के रूप में दिखाया है। चाहे वो पार्वती जी के साथ गणेश जी को दिखा दिया है, यानी कि किसी इन देवियों के साथ उनकी जो संतानें हैं उनको दिखाया है। ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला है। जैसे कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के साथ यशोदा मैया को दिखा दिया है, कहीं पर जी गणेश जी को दिखा दिया है। इस प्रकार से हमें बहुत सारे इनके चित्र देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने जो है मदर मैरी और साथ में जो यीशु है उनके चित्र भी बनाए हैं। तो ये पूरी की पूरी धार्मिक थीम वाली इनकी एक मदर श्रृंखला है जिसके लिए जाने जाती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ न्यूड पेंटिंग्स बनाई हैं, उसके लिए भी जाने जाती हैं। इन्होंने क्यूबिज्म में कार्य किया है, ठीक है, जिसको हम धनवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर धनवाद के साथ इन्होंने कई और भी टेक्निक्स हैं, जैसे अभी हमने कंप्यूटर एडिंग की बात की तो वो भी इन्होंने अपनाई है। यानी हम देख सकते हैं कि ये भारतीय आधुनिक महिला कलाकार हैं जिन्होंने हर प्रकार की
जो माध्यम है उसको प्रयोग किया है अपने चित्रों को बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं जब हमें इनकी पेंटिंग्स की इतनी वर्सटैलिटी देखने को मिलती है, तो हमें वो किसकी याद दिलाता है, पुनर्जागरण काल के जो यूरोप के कलाकार थे वो हमें याद दिलाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हमें बहुत सारी इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी कि भाई कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित चित्र भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे किसी जो चित्रकार है उन्होंने क्या किया है, नर्तकियों को भी बनाया है, किसी ने जो है लॉयर्स को बना दिया है, किसी ने आधुनिक जो घटनाएं हैं उनको दिखाया है। तो इस प्रकार से, और कई टेक्निक्स को यूज किया है, तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं उनकी याद दिलाती है। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो हमें यूरोपियन पुनर्जागरण काल के जो कलाकार हैं उनकी याद दिलाती है। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। हो सकता है प्रश्न आपको पूछा जाए कि ऐसे कौन से भारतीय या ऐसे कौन से भारतीय कलाकार हैं, जरूरी नहीं है वहां पर महिलाएं, ऐसे कौन से भारतीय कलाकार हैं जिनके चित्रों को देखकर यूरोपीय पुनर्जागरण काल के कलाकारों की याद आती है, या जिनकी जो चित्र हैं उनके जैसे कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं, तो कौन हो जाएंगी? अंजलि इला मेनन हो जाएंगी। अब ध्यान देंगे, जब हम बात की हमने कि इन्होंने कुछ न्यूड पेंटिंग्स बनाई हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार की इन्होंने न्यूड पेंटिंग्स बनाई हैं। ये रही अंजलि इला मेनन, ये इन्होंने जो माता के रूप में पूरी एक श्रृंखला बनाई है, जैसे यहाँ पर आई थिंक यशोदा मैया है या देवकी मैया है, जो भी है, जहाँ पर इन्होंने कृष्ण भगवान को दिखाया है, तो इस प्रकार की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं बाकी चाहे धार्मिक अनुष्ठान है उससे संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये पूरी की पूरी जो है वर्सटैलिटी जो है इनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ अंजलि इला मेनन वो कलाकार है जो अपनी पेंटिंग्स में क्या बनाती है, ज्यादातर कौए जो पक्षी है उसको उन्होंने ज्यादातर दिखाया है अपनी पेंटिंग्स में, है ना? इसकी कहानी क्या है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतीश गुजराल के भित्ति चित्र की रचना सामग्री क्या थी? सतीश गुजराल के जो भित्ति चित्र इन्होंने बनाए हैं उनकी जो रचना सामग्री थी वो क्या थी? ये सिरेमिक है, ग्लास है, स्टेन ग्लास है, या टेम्परा है? सतीश गुजराल के भित्ति चित्र की रचना सामग्री यानी किससे ये अपने भित्ति चित्रों का ज्यादातर इन्होंने निर्माण किया है। याद रखेंगे आपसे भित्ति चित्र पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना है कि आपको कुछ रिकॉल हो, आपके दिमाग में कुछ मूर्तियां आ जाए, है ना? तो उसका भी ध्यान रखना है। चलिए जी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जी सिरेमिक में। किसमें? सिरेमिक में। सतीश गुजराल ने जो भित्ति चित्रों का निर्माण किया है ज्यादातर जो है सिरेमिक का प्रयोग किया है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, सिरेमिक का प्रयोग किया है लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभाव कैसा दिखाते हैं, इन्होंने जो सिरेमिक माध्यम यूज किया है, अगर आप उन भित्ति चित्रों को देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने धातु का प्रयोग किया है, ये इफेक्ट कैसा शो करते हैं, धातु की तरह इफेक्ट शो करते हैं। कहीं कहीं पर तो बड़े अच्छे कलर यूज किए हैं जहां पर आपको देख के पता चल जाएगा कि जिस सिरेमिक का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ भित्ति चित्र ऐसे हैं जहां पर आपको देख के लगेगा कि इन्होंने मेटल का प्रयोग किया है क्योंकि इनको कुछ लुक वैसा दिया गया है, ठीक है? चलिए, सतीश गुजराल इनको आधुनिकतावादी भित्ति चित्रकार कहा जाता है। अब याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं आधुनिकतावादी भित्ति चित्रकार की, यानी कि यहाँ पर हमें जब हम भित्ति चित्रों की बात करेंगे तो उसमें कुछ यूनिकनेस आपको देखने को मिलेगी, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ अलग सी चीजें देखने को मिलेंगी, स्पेसिफिक किसमें? भित्ति चित्रकार के रूप में। तो क्या हुआ, सतीश गुजराल आधुनिकतावादी भित्ति चित्रकार के रूप में इनको हम जानते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ भी हम ये नहीं कह सकते कि भित्ति चित्रकार ही है, उससे ज्यादा अच्छे चित्रकार हैं, उससे भी ज्यादा अच्छे वास्तुकार हैं, उससे ज्यादा अच्छे मूर्तिकार हैं, है ना? और एक ग्राफिक कलाकार भी हैं, एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इनसे संबंधित जो अगर राइटिंग इनकी राइटिंग की बात करें तो इनकी जो बायोग्राफी है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो क्या है, ब्रश विद लाइफ। ये क्या है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है जी? सतीश गुजराल की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है पंजाब झेलम में हुआ था, जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, 1925 के आसपास शायद, है ना? उस समय जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था। अब अगर हम बात करें कि यानी ये वो कलाकार हैं जिन्होंने क्या है विभाजन की पीड़ा को भी देखा है और इससे संबंधित इन्होंने सबसे ज्यादा चित्र भी बनाए हैं, है ना? विभाजन से संबंधित पूरी की पूरी श्रृंखला हमें इनकी देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे इनकी कला से संबंधित, इनकी कला की शिक्षा कहाँ से हुई है, तो इनकी कला की शिक्षा लाहौर मेयो कॉलेज से हुई है, ठीक है? एक तो याद रखेंगे लाहौर मेयो कॉलेज से
ये कला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया, और उसके बाद मुंबई जेजे स्कूल से, है ना, ठीक है, मुंबई सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला की शिक्षा अपनी प्राप्त की थी। और यहाँ से कहीं ना कहीं जब जेजे स्कूल से इन्होंने अपनी कला की शिक्षा प्राप्त की, प्रमुख रूप से वो क्या है, वो बेसिकली इन्होंने पेंटिंग्स में की थी। किसमें? पेंटिंग्स में की थी। अब हमने बात की कि भाई इनके जो भित्ति चित्र हैं, जिसकी हमने बात की कि वो उनका माध्यम क्या है, तो उनका माध्यम सिरेमिक है। अब इनका एक भित्ति चित्र आप देख पा रहे हैं, ये है शिव और पार्वती, ये क्या है, सिरेमिक रिलीफ में इसको बनाया गया है 1968 में। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कहीं जगह कहीं कहीं पे ये मेटल का लुक देता है, आपको लगेगा कि हो सकता है जो सिरेमिक के साथ मेटल का भी प्रयोग किया गया हो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने सिरेमिक जो इन्होंने निर्माण किए हैं चित्रकला में, सिरेमिक सॉरी भित्ति चित्रकारों भित्ति चित्रकला में, तो उसमें इन्होंने ये कुछ इफेक्ट्स ऐसे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से ये आप देख के समझ गए कि इनको आधुनिक भित्ति चित्रकार, है ना, भारत का जो है आधुनिकतावादी भित्ति चित्रकार इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब्स्ट्रैक्ट चीजें जो है वो आपको, है ना, वो इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। उस कलाकार की पहचान कीजिए जिन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों का चित्रण किया है। ये एम एफ हुसैन है, विकास भट्टाचार्य जी है, कनु देसाई है, ये मनु पारेख है, कौन है जी? उस कलाकार की पहचान कीजिए जिन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों का चित्रण किया है। एम एफ हुसैन है, विकास भट्टाचार्य जी है, कनु देसाई है, या मनु पारेख है? जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनु देसाई। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, कनु देसाई इज द राइट आंसर, ठीक है। कनु देसाई वो कलाकार हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की कई पुस्तकों का, यानी जिनकी रचना स्वयं महात्मा गांधी ने की थी, उन पर इन्होंने क्या किया है, चित्रण कार्य किया है। उन पुस्तकों पर नहीं, उन पर, यानी जो पुस्तकों में इन्होंने चीजें लिखी हैं उस पर इन्होंने क्या किया है, चित्र बनाए हैं। बात करेंगे कनु देसाई, तो देखिए इनका पूरा नाम क्या कनु देसाई है, लगता तो नहीं है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल हुकुमत राय देसाई इनका पूरा नाम था, ठीक है जी, क्या है, कन्हैया लाल हुकुमत राय इन देसाई इनका पूरा नाम था। जन्म की बात करेंगे तो 12th of March 1907 में इनका जन्म हुआ था, और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रूप से कनु देसाई एक भारतीय चित्रकार और एक कला निर्देशक है, ठीक है, क्या है जी, कला निर्देशक है, कई फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया है। किस प्रकार के कलाकार थे, इनको कहा जाता है सजावटी कलाकार, याद रखेंगे कनु देसाई को क्या कहा जाता है, सजावटी कलाकार कहा जाता है। किस प्रकार के सजावट करते थे ये, तो ये फिल्मों के जो सेट्स हैं उनको डिजाइन करते थे, उनकी सजावट करते थे, है ना, या आप इंटीरियर की भी बात करें, ठीक है, यानी कि जो सेट्स हैं, चाहे वो उनका जो है इंटरनल इंटीरियर हो, चाहे उनके बड़े बड़े सेटअप हो, तो उनका उनका चाहे डिजाइन करना हो, तो इस प्रकार से इस प्रकार की कला का निर्माण करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सजावटी कला का कलाकार इनको कहा जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया कनु देसाई के बारे में। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि गांधी जी के द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें थी जिन पर इन्होंने चित्रण कार्य किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नहीं समझना कि जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों के लिए, कविताओं के लिए किसने चित्रण किया है, कई पुस्तकों के नाम आते हैं, ठीक है, ये पुस्तकें छप चुकी थी, बन चुकी थी, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके इन्होंने उस पर चित्र बनाए हैं, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ये वैसा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई, 1907 में, 1908, 1909 में, 1910 में, सॉरी 1910 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई, और इससे संबंधित एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, मैम इसकी स्थापना किसने की है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की है या कविंद्रनाथ टैगोर ने की है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फिर इसके बारे में भी बात करेंगे। जी, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर मैं पहले लगा चुकी हूँ, 1908 में, कब, 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना है 1907 में हुई थी, ठीक है जी, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1907 में हुई थी, किसने इसकी स्थापना की है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे किसने की है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना सॉरी स्थापना की है। इनका सहयोग किसने किया था इसमें,
इनका सहयोग किसने दिया था? इनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी के साथ इस सोसाइटी का जो गठन है या स्थापना है उसमें प्रमुख रूप से रविंद्रनाथ टैगोर का भी छोटा नहीं बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जब इनके दिमाग की उपज थी कि भाई मुझे इस प्रकार की एक जो सोसाइटी है या एक समूह है, दल है, या आप कह सकते संस्था है ना, प्रमुख रूप से उसकी मुझे स्थापना करनी है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा। और इसके लिए इन्होंने जो है किससे जो है हम कह सकते कि वार्तालाप किया या किससे सहयोग मांगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर से सहयोग मांगा था। प्रमुख रूप से पूरे के पूरे प्रोसेस में इनके सहयोगी रहे इनके बड़े भाई रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनको रास्ता दिखाया था कि आपको किस रास्ते पे जाना है। यानी कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनका सहयोग किया है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से याद रखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने ही प्रमुख रूप से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है। इसके पीछे रीजन था, जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और मैं खुद देखती हूँ बहुत सारी बुक्स में ये लिखा गया है कि गगनेंद्रनाथ टैगोर ने की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी ना, इस संस्था की स्थापना जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसलिए की थी क्योंकि जब ईवी हेवल ने इनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया, ठीक है, कलकत्ता कला महाविद्यालय का, तो अब क्या हुआ, कलकत्ता कला महाविद्यालय इसके जो होली सोली थे वो तो अंग्रेज ही थे, कला की शिक्षा तो अभी भी पश्चिमी शैली में दी जा रही थी। अब इन्होंने तो झंडा उठा दिया क्या था कि मुझे कार्य करना है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक इम्प्लॉय अपना जो बॉस है उसके अंगेंस्ट जा सकता है? यानी कहीं ना कहीं अवनींद्रनाथ टैगोर जो खुलकर कार्य करना चाह रहे थे भारतीय चित्रकला के लिए, वो यहाँ पर एज अ वाइस प्रिंसिपल और बाद में आगे चलकर जब प्रिंसिपल भी बन जाएंगे तब भी वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जो है इसका जो मेन मोटिव था इस संस्था की स्थापना का, ये संस्था कि जहां पर क्या है, जहां पर किसी ब्रिटिशर का, किसी अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर हम अपने हिसाब से बाकी जो उसके मेंबर्स आएंगे उनको ट्रेंड करेंगे, वो आगे और लोगों को ट्रेंड करेंगे। ठीक है, चाहे वो हमारी भारतीय चित्रकला से संबंधित चित्रों की रचना करना हो, चाहे जो है पश्चिमी कला का प्रभाव किस प्रकार से खत्म करना है, मीटिंग्स लेनी है, जो भी है, इसलिए इस संस्था की जो है स्थापना की गई थी प्रमुख रूप से। तो होप सो कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिकली देखिए रीजन इसका यही था क्योंकि इनके पास वो पावर्स नहीं थी प्रमुख रूप से। ठीक है, कि भाई जो ये कार्य करना चाहते थे वो यहाँ पर एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी नहीं कर पाए, इसलिए प्रमुख रूप से इस संस्था की जो है इस संस्था का गठन हुआ। ठीक है जी, चलिए होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए अब अगर हम बात करें कि भाई इस सोसाइटी में इंडियन और ब्रिटिशर्स हर तरह के सदस्य थे। कई अंग्रेज ऐसे थे जो इनसे इंस्पायर थे और वो प्रमुख रूप से जब इनके चित्रों की बात करेंगे कि इनसे वो क्या करना चाहते थे, इनके साथ वो इस संस्था में सदस्यता लेना चाहते थे। तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये वो संस्था थी जहां पर इंडियन से ज्यादा प्रारंभिक दौर में अगर हम देखेंगे इसमें 35 सदस्य जो थे, 35 से ज्यादा सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। ठीक है, वो क्या थे, वो अंग्रेज थे। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भी 35 से ज्यादा संख्या थी, लगभग 35, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले कहा है कि एक कम और एक ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, लगभग जो है 35 से ज्यादा सदस्य थे अंग्रेज प्रमुख रूप से जो यहाँ पर जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की सदस्यता ली थी। अब देखिए हमने बात की कि भाई 1907 में इसका क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई और इसके कुछ महीनों के बाद ही 7-8 महीनों के बाद ही जो है 1908 में प्रमुख रूप से क्या कर दिया गया था, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी जो है वो आयोजित की थी। और यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, शैलेंद्रनाथ डे, के वेंकटप्पा, ये सब वो कलाकार हैं जो प्रारंभिक दौर की संस्था के क्या थे, सदस्य भी थे, और इनके ही चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसको जिसको ना कि भारतीय, अगर हम इंडियंस की बात करें, ठीक है, हम इंडियन जो हमारे कई इतिहासकार थे है ना उनकी बात नहीं करें, भारतीय जनता की बात नहीं करें, इवन कि इस जो प्रदर्शनी में जो पेंटिंग चित्रों को लगाया गया था उनको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी बहुत सराहा था, जो इन संस्थाओं के अंगेंस्ट थे, ठीक है, उन्होंने भी इसकी सराहना की थी, यहाँ पर इतना अच्छा कार्य चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, सुरा सुंदरी और संग्राम नामक चित्र की रचना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में की है? जल रंग में, तेल रंग में, पेस्टल रंग में, इनमें से कोई नहीं, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सुरा सुंदरी और संग्राम पेंटिंग है ये इनके,
और ये पेंटिंग आप गूगल फूफा जी को पूछेंगे, वो आपको दिखाएंगे। वैसे मैंने कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन इसमें जहाँ पे मुझे पेंटिंग मिल रही थी काफी कॉपीराइट था, तो इसलिए मैं आपको ये पेंटिंग दिखा नहीं पाऊंगी। आपने गूगल फूफा जी को पूछना है, एटलीस्ट आप लोग भी ये पेंटिंग अलग से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? जी मैक्सिमम का आई नो लाइफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम का आंसर होगा जी जल रंग, जो एकदम गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, तेल रंग। क्या है? तेल रंग। सुरा सुंदरी और संग्राम पेंटिंग जो है अवनींद्र नाथ टैगोर की, इन्होंने ऑयल पेंट से बनाई थी। ऐसा नहीं है कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने ऑयल पेंट्स को नहीं यूज किया था। हमें पता है इन्होंने जल रंग में भी प्रमुख रूप से इन्होंने वॉश पद्धति को अपनाया था, और पूरे के पूरे बंगाल शैली की अगर हम बात करें, बंगाल स्कूल की बात करें, वहां पर हमें वॉश चित्रण देखने को मिलता है, जिसकी जिसके जो जनक थे प्रमुख रूप से बंगाल की वॉश शैली के, वो कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर थे। तो भाई उससे पहले उन्होंने भी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जो उन्होंने तेल रंगों से बनाई थी। बाद में भी कुछ पेंटिंग्स की रचना की है, और उनमें से सुरा सुंदरी और संग्राम ये पेंटिंग भी है जो उन्होंने ऑयल पेंट से बनाई है। अब ये डिफरेंट है, इसलिए इस प्रकार की पेंटिंग आपसे पूछी जा सकती है, और ये वैसे भी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। अब ये है क्या है जी? पथकांत। ठीक है, पथकांत ये बहुत बार पूछी गई है, पथ का अंत। अब ये पेंटिंग, इस पे तो काफी कॉपीराइट था सूरा सुंदरी और संग्राम पर, इसलिए क्या है, इनकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जो काफी बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने आपको ये पेंटिंग दिखा दूं। पथ का अंत ये है अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई। आगे बढ़ेंगे। हेड सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार है कौन? है के जी सुब्रमण्यम, धनराज भगत, राम किंकर बैज या हिम्मत शाह? ये इजी वन है, जल्दी जल्दी इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। हेड सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार है कौन है? और आज की क्लास में गाइस हम लोग 15 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 15 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्योंकि समस्या मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी आपका डी ऑप्शन, हिम्मत शाह। ठीक है, हिम्मत शाह इज द राइट आंसर। हेड सीरीज के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका हिम्मत शाह ही है। जन्म की बात करेंगे, 22 जुलाई 1933 को गुजरात भावनगर में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख रूप से ये मूर्तिकार हैं। कला की शिक्षा की बात की जाती है, इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से ली है? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा ली है। कई पुरस्कार और उपाधियां मिल चुकी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? साहित्य कला परिषद पुरस्कार इनको मिल चुका है, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार इनको मिल चुका है, और गगन अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने इनको देख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे इनकी हेड सीरीज की। तो इनके जो हेड सीरीज है, ये इनकी सबसे, इनका किया हुआ सबसे प्रसिद्ध आर्ट वर्क है ये। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी कलाकार का, जब हम कहते हैं ना कि मास्टर वर्क उनका जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो इनकी जो हेड सीरीज थी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक, अब देखिए ये स्वयं है और ये इनकी बनाई हुई हेड सीरीज है। तो हेड सीरीज में था क्या प्रमुख रूप से? ये जो है इन्होंने नाक, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, ये हेड सीरीज बनाई है, काफी लंबी लंबी नाक और लंबे लंबे चेहरे बनाते थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी विशेषता थी कि आंखें एकदम गोल गोल बनाते थे। ठीक है, आंखें एकदम गोल गोल बनाते थे, ये इसकी विशेषता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूजा ने अपना अधिकांश काम किसमें किया? सूजा सर ने अपना सबसे ज्यादा जो कार्य है वो कौन से माध्यम से किया है? एक्रेलिक रंगों से किया है, जल रंगों से किया है, तेल रंगों से किया है, या टेम्परा से किया है? पैक ग्रुप के सदस्य सूजा सर, इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य जो है, ज्यादातर जो कार्य है, कौन से रंगों से किया है? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रेलिक रंग। आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। सूजा सर जो क्या थे, जो कि पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, है ना कहीं मार्क्सवादी जो कला है वो इनकी शैली में हमें देखने को मिलती है, और इन्होंने एक्रेलिक रंगों का सबसे ज्यादा अधिक प्रयोग किया है। किस चित्रकार ने तेल चित्र निर्माण में विशिष्टता प्राप्त की है? ये हुसैन सर है, शैलेंद्र डे हैं, अमृता शेरगिल हैं, ये शोभा सिंह हैं। किस चित्रकार ने तेल चित्र निर्माण में, याद रखेंगे, तेल चित्र निर्माण में विशिष्टता प्राप्त की? एक होता है सबसे ज्यादा यूज करना, एक होता है उनका माध्यम ही रहा, और एक क्या है कि भाई कार्य किया है, लेकिन ऐसा कार्य किया है कि उनके जैसा फिर और कोई नहीं कर पाया, है ना, विशिष्ट, यानी अपने आप में ही उस कार्य में वो, उन्होंने सबसे सबको पीछे छोड़ दिया, मास्टर थे उस कार्य में। तो कौन हो जाएंगे जी? जी इसमें मुझे पता है मैक्सिमम का आंसर गलत आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभा सिंह।
जिनका पूरा नाम है सरदार शोभा सिंह, आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जिनका जन्म 29 नवंबर 1901 कहाँ पर हुआ था, गुरदासपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, हरगोविंदपुरम स्थान का नाम है, जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, नाम पूरा क्या है, सरदार शोभा सिंह जिनका पूरा नाम है। इनका इनको जाना किस लिए जाता है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो सिख गुरु हैं, ठीक है, उनके चित्रण के लिए इनको जाना जाता है, भगत सिंह के चित्रण के लिए इनको जाना जाता है, इसके बाद जो है पहाड़ी नायिकाएं, पहाड़ी या स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां, उसके चित्रण के लिए जाना जाता है, चाहे वो चंबा, अब पहाड़ी स्त्रियों में भी इन्होंने प्रमुख रूप से, याद रखेंगे, चंबा के गद्दी समुदाय को उन्होंने चित्रित किया है। गद्दी समुदाय समझते हैं आप, जो कई आपने देखा होगा भेड़ों को लेकर कई मूवीज में, कई सॉन्ग्स में आपने देखा होगा, कई कई 100 भेड़े होती हैं उनको लेके चले जाते हैं, चंबा में प्रमुख रूप से वो एक जो है समुदाय है जिनको गद्दी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस समुदाय को उन्होंने चित्रण सबसे मतलब अच्छा किया है, और यहाँ पर जितने भी उन्होंने गद्दने बनाई हैं उसमें चंबा में जो गद्दी इन्होंने बनाए हैं उसमें पीछे धौलाधार रेंज को दिखाया है। ठीक है जी, धौलाधार रेंज को दिखाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ कांगड़ी दुल्हन, वो भी इन्होंने इस प्रकार के भी चित्र बनाए हैं, यानी कांगड़ा से संबंधित पेंटिंग जो है, कांगड़ी स्त्रियां जो है, कांगड़ी दुल्हने जो है, उनको भी इन्होंने बनाया है। अब यहाँ पर एक चीज जो विशेष रूप से आपको समझनी है, जिस प्रकार से राजा रवि वर्मा ने भारतीय जो हमारे देवी देवताएं हैं, हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताएं हैं, उनको एक रूप दिया था, ठीक है, यानी उनके बनाए हुए जो पोस्टर्स हैं, हम मानते हैं कि भाई देवी दुर्गा ऐसी ही है, ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान शंकर जो है वो ऐसे ही है, क्यों, क्योंकि हम वही हमारे जो कई ग्रंथ हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें उनका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, जिसको पेपर पर किसने उतार दिया, राजा रवि वर्मा सर ने उतार दिया। अभी इसी प्रकार से सरदार शोभा सिंह, ये वो चित्रकार हैं जिन्होंने सिख गुरुओं के चित्र बनाए थे, किसके, सिख गुरुओं के चित्र, और इनके बनाए हुए चित्र जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि यही गुरुओं का स्वरूप है, क्योंकि कई गुरु तो उनको तो हमने देखा ही नहीं था, लेकिन उनका स्वरूप जो है एज इट इज लगता है कि उनके ही जैसा बना है। अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करेंगे तो उनका जो स्वरूप बनाया है ऐसा लगता है कि शोभा सिंह के स्वरूप से उनका मिलता जुलता स्वरूप है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार की, सबसे पहले बात करी हमने कि भाई इन्होंने चंबा का जो गद्दी समुदाय है उसको उन्होंने बड़े सुंदर, ये इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है गद्दन, जिसपे कॉपीराइट भी है, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है, गद्दन, और इसको जो है इंडियन तो पसंद करते ही करते हैं, जितने फॉरेनर्स आते हैं वो भी पसंद करते हैं, इनकी पेंटिंग्स का कॉपीराइट सिर्फ इनकी बेटी के पास है, जो अभी तो मुझे पता नहीं, अभी लास्ट 1-2 साल पहले तो जीवित थी, ठीक है, तो वो जो है सिर्फ उनके पास कॉपीराइट है इनकी पेंटिंग्स को बनाने का प्रोफेशनली, अदरवाइज आप अपने शौक के लिए बना सकते हैं लेकिन इनको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और ये पेंटिंग आपने बहुत जगह देखी होगी, हिमाचल में हर जगह दिखाई देती है, और ये वो पेंटिंग है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गद्दन है ये, राजा है ये, वो पेंटिंग्स है जो मेरे घर में है, जिनको देख कर मैं बड़ी हुई हूँ और कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई थी कि मुझे पेंटिंग की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये है गद्दन, और यहाँ पर धौलाधार रेंज दिखाई दे रही है, और इसी प्रकार की इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, किसी में हाथ में बकरी का बच्चा लिया है, और एक आप कहते हैं ना कि सिकड़े के साथ महिला है ना, तो वो सिकड़ा जो होता है प्रमुख रूप से, इसको वहां पर किल्टा कहा जाता है, ये होता है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया, अब ये अगर ये तो होगी चंबा की बात, अब यहाँ पर आप धौलाधार रेंज भी आपने देख ली, ये हम बात कर रहे हैं कांगड़ा की दुल्हन की, ठीक है, जहां पर आपको बड़ा सा बालू पहना हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने बात भी की थी कि वो कौन सी शैली है जहां पर नायिकाओं को बड़ी बड़ी नथनी पहने हुए दिखाया गया है, तो कौन सी है, प्रमुख रूप से क्या है, पहाड़ी शैली में दिखाया गया है ना, तो ये देख सकते हैं कांगड़ी ब्राइड, और यहाँ पर कांगड़ी ब्राइड के भी इन्होंने कई सारे स्वरूप जो है हमें इनके देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ बात करेंगे सिख गुरुओं की, भगत सिंह की भी इन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई है, सिख गुरु आप देख सकते हैं, और यही वो स्वरूप है जो आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि सिख गुरुओं को जो आप देखते हैं वो स्वरूप किसका दिया गया है, सरदार शोभा सिंह के द्वारा दिया गया है, और इनकी मृत्यु 1986 में हुई है पीजीआई चंडीगढ़ में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, इनका कला का स्टूडियो कहाँ है, अदरेटा सॉरी पालमपुर से 12 किलोमीटर दूर जो है वहां पर पहाड़ियों में ही इन्होंने अपना बाद में आगे चलकर कला स्टूडियो भी स्थापित किया था, इसके पीछे लंबी कहानी है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किसने कराया,
किसने कराया, किया नहीं स्वयं, किसने कराया? डॉक्टर अजय जेटली हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, या किरण प्रदीप हैं, कौन है? सुरेंद्रनाथ मजूमदार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किसने कराया? और ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर सबका सही आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जिन्होंने सुरेंद्रनाथ मजूमदार से, जो अगर इनकी शैली की बात करें, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। कहीं ना कहीं इनकी शैली कैसे दिखाई देती है, मैंने आपको इनकी काफी सारी पेंटिंग्स दिखाई हैं, जहां पर हम डिटेल क्लास ले रहे थे, कि डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे और सुरेंद्रनाथ मजूमदार की पेंटिंग्स देखेंगे, तो वहां पर आपको अगर हम नहीं बताएं कि किसने कौन सी पेंटिंग बनाई है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि दोनों में से किसने कौन सी पेंटिंग बनाई है, अगर आपको टाइटल ना बताया जाए। ठीक है जी, चलिए, किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्रकृति छटा का प्रभाव दिखता है? शंकर चौधरी, सतीश गुजराल, बीसी सानियाल, जोगेन चौधरी। और यहाँ पर थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा, डिटेल क्लास में मैं आपको इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक हिंट मैंने आपको दे ही दिया है, सही आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बीसी सान्याल। ठीक है, बीसी सान्याल इज द राइट आंसर। अब आप कहेंगे मैम हिंट क्या दिया था, हमने आपसे बात की थी कि बीसी सान्याल है ना, इनका भावेश चंद्र सान्याल, इनका कला स्टूडियो कहाँ पर है? अदरेटा पालमपुर में है। कहाँ पर? आलमपुर, प्रमुख रूप से आलमपुर बोले कांगड़ा में। ठीक है, तो ये भी क्या है, आर्ट विलेज में। ठीक है, और हमें पता है कि बाद में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, या जब हम इन्होंने अपना आर्ट का स्टूडियो वहां पर स्थापित कर दिया था, उसके बाद ये वहीं पर रहते थे। तो ज्यादातर जो है ना भाई, कांगड़ा के आसपास का क्षेत्र, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा पूरा क्षेत्र पड़ता है, तो जहां पर रह रहा है आदमी वहां के कल्चर से प्रभावित होगा, होगा ही होगा। और प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे कि भाई, चाहे आप कल्चर की बात करें और वैसे भी वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी बात करें, उससे इंस्पायर थे, तो उससे संबंधित इन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। इसीलिए क्या है, इनके चित्रों में जो पहाड़ी जो छटा है, उसके साथ साथ जो है कश्मीर का जो प्रभाव है वो भी दिखाई देता है। अब बात करेंगे बीसी सान्याल, 22 अप्रैल 1902 में इनका जन्म हुआ था असम हिब्रूगढ़ में। ठीक है, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इनसे संबंधित प्रमुख प्रमुख घटनाएं भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की थी कब, 25 मार्च 1949 में। कहाँ पर? इनका जो स्टूडियो था दिल्ली में, पहले गोल मार्केट में है ना, वहीं पर ही जो है दिल्ली शिव चक्र की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर इसके जो फाउंडर मेंबर्स थे, खुद बीसी सान्याल सर, इनके साथ साथ और कौन थे, सतीश गुजराल है, राम कुमार है, धनराज भगत, रामेश्वर बूटा, अनुपम सूद, परमजीत सिंह, जगमोहन चोपड़ा, ये सब क्या है, ये सब इनके साथ जो है कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित थे। ठीक है, अब यहाँ पर खेत में किसान आप देख पा रहे हैं, और किसान ने जो है जी पहाड़ी टोपी लगाई है। ठीक है, पहाड़ियां भी आप ऊपर देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, पहाड़ी या प्रमुख रूप से कांगड़ा और कश्मीर से प्रभावित होकर जिन्होंने चित्रों का निर्माण किया है, वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रतीक्षा नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की है? असत कुमार हल्दर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, शैलेंद्रनाथ ने, या शैलेंद्रनाथ डे ने, या नंदलाल बसु ने, किसने की है जी, आपको ये भी बताना है। प्रतीक्षा नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, रीजन क्या है वो भी पता चल जाएगा। प्रतीक्षा नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की? जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बसु जी के द्वारा की गई थी। किसने? नंदलाल बसु के द्वारा प्रतीक्षा जो पेंटिंग थी, टाइटल है ना, वो इनके द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ इस प्रकार से है। इनकी जो पेंटिंग है ये वो है जो भारतीय डाक टिकट पर भी अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है, यानी इनकी इस पेंटिंग को भारतीय डाक टिकट पर भी छापा जा चुका है। प्रतीक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, नाम भी दिखाई देगा, नंदलाल बसु। ठीक है जी, अब क्या है, इनकी इनकी देखिए एक पेंटिंग नहीं है, इनके काफी सारे पेंटिंग्स हैं जो भारतीय डाक टिकट पर छपी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उनमें से एक ये भी है, तो देख लेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, केजी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इजी वन, आर्ट कॉलेज लखनऊ से, BHU से, शांति निकेतन, या जेजे स्कूल से? जेजे स्कूल ऑफ मुंबई से। कहाँ से की है जी?
जी सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के शांति निकेतन। हम सबको पता है कि जी सुब्रमण्यम सर की कला की शिक्षा शांति निकेतन से हुई है। अब इसके बाद जो है कुछ बच्चों की पेंटिंग्स मिली हैं, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, कुछ एक बच्चों की पेंटिंग्स मिली हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं सॉरी। सबसे पहले जो है ये हमें कोलार्ज भेजा है स्मार्ट बॉय, शिवूर स्मार्ट बॉय है, ठीक है। तो ये इनका कोलार्ज है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जहाँ पर क्या है हम कृष्ण कन्हैया लाल जी को देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अखबार के कतरन है, थोड़ा सा जो है इन्होंने स्केच को यूज किया है ना, कलर पेपर्स को यूज किया है, बहुत ही बढ़िया। और एक स्टूडेंट है, मुझे उनका नाम नहीं पता है, जो अक्सर ये भेजती हैं, ये शिवलिंग बनाया है इन्होंने, और उसपे जो है रोज ये फूलों से सुंदर सुंदर जो है उसमें कलाकारी करके दिखाती हैं, पूरे इनको सजाती हैं, और हर बार जो है ये फूलों का जो रंग है वो चेंज होता है, हर बार ये कुछ अलग उनका सौंदर्य देखने को मिलता है, अलग शिव भगवान का स्वरूप देखने को मिलता है। तो सावन स्पेशल है, इसीलिए थैंक यू सो मच। प्लीज जब भी आप अपनी इस प्रकार की कोई भी आपका जो कला है, कोई भी जो आपका आर्ट है, उस पे आपने नाम जरूर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए, आपके काफी सारी इस तरह की जो है मुझे आपने भेजी है इमेजेस, तो एक आज लगाई है हमने। चलिए, उसके बाद बात करेंगे जी नादिया। नादिया की बहुत सारी पेंटिंग्स आती रहती हैं। आज की जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर भी कृष्ण कन्हैया लाल को देख सकते हैं, जिन्होंने वाटर कलर में बनाया है, और दूसरी तरफ अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, वेरी नाइस। और कहीं ना ये जो भी हमने बात की थी ना हेड हेड की है ना, हिम्मत शाह के हेड की, उससे सिमिलर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जो आज हमने देखा है, ठीक है। तो ये नादिया आर्ट और ये आजमगढ़ से इन्होंने ये पेंटिंग्स भेजी हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, प्रियवर्धनी की पेंटिंग्स है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा वाटर कलर, आई थिंक वाटर कलर, दोनों ही वाटर कलर से आपने बनाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, वेरी नाइस। आगे बढ़ेंगे, मनीषा शर्मा का ये स्केच है, बहुत ही सुंदर। और एक तरफ जो है ये मुझे इनका नाम नहीं पता है, ठीक है, अमन सिंह शायद, अभय सिंह या अमन सिंह कुछ ऐसा नाम था, आपने यहाँ पे शायद मेंशन भी किया है। प्लीज जब भी आप अपनी इस प्रकार की कोई भी चीज भेजते हैं ना, अपना नाम प्लीज मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके जो भी मैसेजेस हैं वो मुझ तक डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, मेरी टीम के पास पहुंचते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट्स की पेंटिंग्स आती हैं, बल्क में आती हैं, तो पता नहीं चलता है कौन किसकी है, नाम सबके ऊपर नीचे हो जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जैसे यहाँ पर ये मनीषा शर्मा आप देखा हुआ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपकी जो भी पेंटिंग रहती है उस पर आप अपना नाम मेंशन करना है, ठीक है। और ये स्टोन आर्ट बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बढ़िया। अब ये जो है रुपेंद्र की पेंटिंग्स है, ठीक है, पेंटिंग्स नहीं ये कुछ रेखा चित्र भी कह सकते हैं इनको हम, ठीक है। और ये क्या है जी, जैसे थ्रेड से बनाया गया हो ऐसा लग रहा है, ठीक, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं हम इनको, वेरी नाइस। आगे और इसके बाद जो है भाई जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मेरी टीम की तरफ से भी आपको मैसेज है कि प्लीज, कई स्टूडेंट जो है पुराने पीडीएफ्स मांग रहे हैं और सब अलग अलग मैसेज कर रहे हैं। देखिए 500 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि सबको अलग अलग पीडीएफ चाहिए। जिन भी स्टूडेंट ने ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नंबर आपके पास दिया गया है, आपने मेंशन यहाँ पे कर देना है आर्ट, है ना, आर्ट क्लासेस चाहे मेंशन कर दीजिए, टीजीटी पीजीटी आर्ट जो भी है, आप आर्ट भी मेंशन करेंगे तो भी आपको जो है सीधा सीधा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन जो है आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से ही आपने क्या करना है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ पर ही आपको पीडीएफ मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसके साथ साथ अगर आपको अपनी पेंटिंग्स भेजनी है तो वो भी आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है गाइज। तो कल मिलेंगे, कल का जो सेशन है आपका एकदम लाइव रहेगा, और जो बच्चे क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करके जाइएगा और शेयर स्टार्टिंग में कर दिया करिए, कमेंट पर हम लोग बात करते हैं आज को छोड़ के, ठीक है। कल मिलेंगे सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड कीप स्टडी गाइस, बाय।